दोस्तों आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में फोटो एडिटिंग पे बताने वाला हूँ कि इस जो भी इसमें यूज करूँगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक क्लिक में आपका फोटो का कलर और बेहतरीन बन जाएगा। दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फ़ोन की यहाँ पे। मैं दोस्तों अपना लाइट रूम ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना लाइट रूम ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों मैं फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड फोटो पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जिसमें एडिटिंग करना चाहते हो आप। तो दोस्तों मैं वो फ़ोटो ढूंढ के निकाल देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरी फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दोस्तों मैंने कैमरे तक खींची, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे कैमरे की फ़ोटो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस जगह की फ़ोटो। इस फोटो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये फ़ोटो मेरे सामने आ चुकी है। इस फोटो पे मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थ्री डॉट पे आना, कोने में थ्री डॉट पे क्लिक करना। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पे आना, थ्री डॉट पर यहाँ पे कॉपी सेटिंग करनी है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कॉपी सेटिंग कर लेने, सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके से ओके कर लेना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने ओके कर लिया, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा फुल यहाँ पे दोस्तों आप लोग डिलीट कर सकते हो, पर आप लोग डिलीट मत करना। दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया, पर आप लोग डिलीट मत करना, दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोटो दोस्त से ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसमें एडिटिंग करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्लस वाले पे गया, प्लस वाले पे करने के बाद आप लोग यहाँ पे वो फ़ोटो जिसमें कलर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं गया और इस फ़ोटो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे की फ़ोटो आ चुकी हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी सारी फ़ोटो आ चुकी हैं। जिस भी फ़ोटो में मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, जिस फ़ोटो को यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना कौन से वो फ़ोटो हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो पड़ी हुई हैं, आप लोग भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो अच्छी लगे वही सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वाली फ़ोटो तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इस फ़ोटो पर ऐड कर लेता हूँ। जैसा मैंने ऐड फोटो पर क्लिक किया, ऐड फोटो हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फोटो ऐड हो चुकी है। तो इस फोटो को ऐसे ही ऐड करते हैं, यहाँ पे एक बार प्ले करते हैं। जैसा कि दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना, वेट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे फोटो। तो दोस्तों ऑटो पे एक बार क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटो पे कर देना क्लिक, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को करना है नीचे से सरका लेना और आपको कलर वाले पे क्लिक कर देना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं कलर वाले फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिक्स कलर पे क्लिक कर देना। जैसा कि दोस्तों मैं मिक्स वाले कलर पर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद इसे आप देख सकते हो पहले वाले पे जाना और इसे थोड़ा सा माइनस कर देना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद और इसे वेटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना। जैसा कि दोस्तों मैंने वेटनेस को बढ़ा लिया। दोस्तों यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आना है, जैसा कि आप देख सकते हो दूसरे ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे इसे भी मैं माइनस कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसे थोड़ा सा बढ़ा देना। दोस्तों ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर एडजस्ट कर डन कर देना। डन करने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं चेंज नहीं करनी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पेस्ट में करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितनी फैट बिंदास फोटो आप लोगों के सामने बन चुकी है। दोस्तों एक ही क्लिक में आप लोगों का फिल्टर चेंज हो चुका था। दोस्तों अभी मैं दूसरी फ़ोटो का कलर भी चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर मैं शेयर पर जाता हूँ, ऐसे फोटो को सेव करके आप लोगों को धर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये फोटो सेव हो जाएगी। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये सेव हो चुकी है, तो इसे डन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर दूसरी फ़ोटो कलर में चेंज करके दिखा देता हूँ बस एक ही क्लिक में। तो दोस्तों फिर ऐड फोटो पे जाता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं इस फोटो को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, दोस्तों इसे मैं नहीं करता हूँ नहीं वरना आप कहोगे शायद, तो इसे मैं दूसरी फ़ोटो आप लोग देख सकते हो। ये भी मेरी फ़ोटो अच्छी लगेगी तो यहीं पर कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी फ़ोटो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी ये फ़ोटो आ गई यहाँ पे, ये देख दोस्तों इसे पर क्लिक करना, ऐड फोटो पर क्लिक करना, ऐड फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ़ोटो मेरी आ जाएगी।
तो इस फोटो पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग मिल जाएगी, सेटिंग पे क्लिक करना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिकली पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लोग सेव कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर, जो भी इसमें मैंने यूज किया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों।